नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पोस्टर स्टडी की एक और नई क्लास में तो जैसा कि सभी की डिमांड थी मैथ और रीजनिंग की तो फाइनली अब हम डेली क्लासेस करेंगे और आज जो ये क्लास है ये ओपन क्लास रहेगी कल हम आपको बता देंगे सुबह ही जो हमारा टाइम रहेगा और वो सिर्फ सेशन वाले के लिए होगी ठीक है तो प्राइवेट में हम उस क्लास को करेंगे आप टाइम पे आएंगे और उसको अटेंड कर सकते हैं उसके बाद वो आपको नहीं मिलेगी ठीक है तो आई होप आप टाइम पे आएंगे और क्लास को अटेंड करेंगे तो अगर आपको हमारी आवाज़ परफेक्ट तरीके से आ रही है तो बता दीजिए ताकि हम क्वेश्चन पे चले जाएंगे और अगर नहीं आ रही है तो बता दीजिए सभी को गुड इवनिंग तो आवाज बिल्कुल क्लियर है ठीक है तो चलते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हमारा ठीक है तो रीजनिंग के सारे क्वेश्चन रहेंगे तो आपने बताना है बिज नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज तो यहाँ पे सीरीज दी गई है आपके पास फोर्टी एट ट्वेंटी फोर ट्वेल्व और क्वेश्चन मार्क तो चार ऑप्शन दिए गए हैं तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है वो आपने यहाँ पे बताना है हाँ uh, टाइम बताया हाँ बताइए टाइम हम आपको बता देंगे जो कल की हमारी क्लास रहेगी उसमें आपको पहले ही टाइम बता देंगे एक या दो घंटे पहले बता देंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप टाइम पे आए और क्लास को अटेंड करें फिर आप बाद में बोलेंगे कि हम क्लास को अटेंड नहीं कर पाएंगे ठीक है तो हमारे से कोई इश्यू नहीं है फर्स्टली आप आएंगे और क्लास को अटेंड करेंगे ठीक है तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ठीक है तो किस तरीके से ये यहां पे आधा आधा हो रहा है देखना 48 फोर्टी एट का आधा चौबीस है चौबीस का आधा बारह है बारह का आधा छ होगा इस तरीके से यहां पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो यहां पे भी आपके पास सीरीज दी गई है आर क्यू पी O -N -M, आ, फिर बीच में ब्लैंक दिया गया है आई एच जी एफ द मिसिंग नंबर तो मिसिंग लेटर यहाँ पे आपने बताना है और कल जो हमारी क्लास रहेगी वो जल्दी ही रहेगी जो हमारी जो लाइव क्लास रहेगी एट थर्टी पी एम पे जो ओपन क्लास रहती है जैसे कि आज भी हुई थी क्वेश्चन uh, पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं हम ठीक है इससे पहले करेंगे हम ठीक है तो आई होप आप टाइम पे जरूर आएंगे uh, पच्चीस मई वाले वैच में तो आपको मिल जाएगी जैसे ही आपका डी खत्म हो जाएगा सब क्लासेस आपको मिल जाएगी तो क्वेश्चन नंबर दो की बात करें तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो अब आप आपको वैसे बताने की जरूरत नहीं है फिर भी बता देते हैं आपको अब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं देखिए यहाँ पे आर, पी क्यू अगर यहां से देखते हैं हम इस क्वेश्चन को ई एफ ठीक है जी एच आई फिर यहाँ पे ब्लैंक है तो जेके एल इस तरीके से यहाँ पे जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं आप देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पेटल फ्लावर ठीक है तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं तो so, कौन सा सही ऑप्शन है पे वो आपने बताना है प्रगति साहू प्रीवियस ईयर मैथ्स कब करवाएंगे वो हम बैच में कर लेंगे ठीक है प्राइवेट से कर लेंगे बीस बीस क्वेश्चन आ रही है वो अच्छे से देखेंगे उसको सभी सर्कल से चार पांच सर्कल के वैसे भी हमने कर लिए थे ओपन में कर लिए थे उसको हम प्राइवेट में कर लेंगे ठीक है तो क्वेश्चन नंबर तीन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो है ठीक है जो पेटल होता है ये ये फ्लावर का ही पार्ट होता है ठीक है तो इसलिए जो इंजन है कैट डॉग नहीं होगा इंजन कार होगा इसका सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर बिच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर ठीक है तो यहां पे भी आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसमें दोस्तों मैच नहीं कर रहा है तो चार ऑप्शन में से आ, उमेश कुमार बोल रहे सर मैं विलेज में रहता हूँ नेटवर्क की कमी है आ, वो क्लास हम दिन में कर लेंगे आपने उसको देख लेना है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर चार का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही है ठीक है आ, ये भी बता दीजिए किस तरीके से ये सही हुआ है ठीक है जो किलोग्राम होता है वो वेट को मेजर करता है और जो अदर है इंच है ठीक है ये यार्ड है ये दोस्तों क्या करता है लेंथ को मेजर करता है इसलिए जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही है यार नहीं होगा जो बा, जो अदर है ये दोस्तों लेंथ को मेजर करते हैं और किलोग्राम वेट को मेजर करता है इस तरीके से जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका दो हो जाएगा बिल्कुल सही अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पे आपके पास सीरीज दी गई है फोर्टी सिक्स फोर्टी फोर फोर्टी थर्टी एट थर्टी फोर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है तो आपने सही आंसर यहाँ पे बताना है चार ऑप्शन यहाँ पे भी आपके पास दिए गए हैं तो कौन सा सही है वो आपने बताना है आ, दिनेश जी बोल रहे हैं एक तीन चार डिस्टेंस को मेजर करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने वाली यूनिट है और जो किलोग्राम है ये दोस्तों बेट को मेजर करने की यूनिट है इसलिए जो सही आंसर था आपका किलोग्राम बिल्कुल सही था ठीक है तो आई होप उसको समझ गए होंगे अच्छे से इसके बाद आपके पास जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव तो इसका सही आंसर आपने देना है तो इसका जो आंसर आ चुका है थर्टी टू ठीक है तो बिल्कुल सही थर्टी टू आपको बता दे किस तरीके से ये आया है ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों सबसे पहले फोर्टी सिक्स है फोर्टी सिक्स में से अगर दो को हम लेस करते हैं तो फोर्टी फोर आता है और फोर्टी फोर में ठीक है फोर्टी फोर में अगर मैं चार को माइनस करता हूं तो फोर्टी बचता है सेम यहां पे भी माइनस दो हो रहा है और यहां पे भी माइनस चार हो रहा है इसके बाद बारी किसकी है माइनस दो की है तो चौंतीस में से दो चला जाएगा तो बत्तीस यहाँ आप पे आपके पास आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर तीन में दिया गया है ठीक है तो आई होप इसको भी समझ गए होंगे तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से क्वेश्चन नंबर सिक्स तो क्वेश्चन नंबर सिक्स इस तरह इस तरह से है हमारे पास बिश नंबर शुड फिल द एम्पटी स्पेस इन दिस सीरीज तो एम्प्टी स्पेस आपने यहाँ पे बताना है तो सात चार सात बारह उन्नीस ब्लैंक दिया गया है उसके बाद थर्टी नाइन उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे भी सेम आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं ट्वेंटी एट ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी टू दिनेश जी बिल्कुल सही पहले माइनस दो हो रहा है उसके बाद माइनस चार हो रहा है सेम यही सीक्वेंस चल रहा है इस तरीके से आपका जो सही आंसर है निकल के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का ट्वेंटी एट ठीक है बिल्कुल सही है अब देखते हैं किस तरीके से ये आया है अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास चार दिया गया है उसके बाद सात बारह उन्नीस और उसके बाद ब्लैंक दिया गया है इसकी वैल्यू हमने निकालनी है उसके बाद थर्टी नाइन दिया गया है अब देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स में अगर मैं चार और सात के बीच अगर डि, डिफरेंस निकालू तो डिफरेंस दोस्तों तीन का है और सात और बारह के बीच अगर डिफरेंस निकालू तो पांच का डिफरेंस है और बारह और उन्नीस के बीच जो डिफरेंस है सात का डिफरेंस है यानी कि इसके बाद जो डिफरेंस होगा नौ का डिफरेंस होगा और उसके बाद ग्यारह का डिफरेंस होगा यानी कि मैं सही मायने में बोलूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है और नंबर ही प्लस होते जा रहे हैं ठीक है जैसे तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह ठीक है इस तरीके से हो रहा है तो यहाँ पे जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर एक है, जो की ट्वेंटी एट है बिल्कुल सही है चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पे हमारे बीच आ चुका है तो यहां पे भी आपके पास सेम सीरीज दी गई है सेवनटी सेवन सेवनटी सिक्सटी थ्री फिफ्टी सिक्स फोर्टी नाइन उसके बाद ब्लैंक दिया गया है वो नंबर आपने फाइंड आउट करना है तो इसमें भी सेम आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं फोर्टी टू फोर्टी सिक्स एट तो जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का बहुत इजी क्वेश्चन है तो कल से थोड़े हम लेवल को भी हाई करते रहेंगे बीच बीच में ठीक है तो ये बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर सेवन फोर्टी टू बिल्कुल सही है फोर्टी टू ठीक है तो इसमें दोस्तों क्या हो रहा है इसमें सिर्फ जो डिफरेंस है देखिए यहाँ पे सेवेंटी सेवन है सेवेंटी सेवन में माइनस हो रहा है सात का ठीक है और यहाँ पे सत्तर है सत्तर में से भी माइनस सात हो रहा है सिक्सटी थ्री बच रहा है सिक्सटी फाइव में माइनस सात हो रहा है फिफ्टी सिक्स बच रहा है इसके बाद माइनस सात हो रहा है और फोर्टी नाइन में अगर मैं माइनस सात करता हूं तो फोर्टी टू यहाँ पे हमारे पास बच जाता है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बिल्कुल सही है ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यशोदा कमर्स सात का डिफरेंस है बिल्कुल सही है सात का ही डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर ठीक है अब देखिए यहाँ पे बीस नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे आपने सही आंसर यहाँ पे बताना है सो इजी प्लीज हार्ड हार्ड दीजिए ठीक है हार्ड भी आएंगे <म्णाद> बहुत ऐसे हैं जिनको ये भी समझ नहीं आ रहे हैं ठीक है तो लेवल धीरे धीरे हम इंक्रीज करते रहेंगे ठीक है तो ऐसे ही चलते रहेंगे अगर हम डायरेक्टली हार्ड पे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ देंगे कुछ आंसर दे पाएंगे लेकिन कुछ नहीं दे पाएंगे ठीक है तो मुझे नहीं लगता कि मैं चाहता हूं कि सबको एक साथ लेके चलूं ठीक है मेरा ये हमेशा ऐसा ही टारगेट रहता है तो इसका जो सही आंसर है चौदह बिल्कुल सही है ठीक है अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दू किस तरीके से आए हैं ठीक है आप देखिए चार और छः के बीच जो डिफर चार और दस के बीच जो डिफरेंस है छ का डिफरेंस है अब आठ है यहाँ पे आठ में भी हमने प्लस छ कर देना है आठ छः चौदह यानी कि ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही है ठीक है ठीक है बहुत इजी है देख लीजिए इसको ठीक है जो इजी बोल रहे थे इसके बाद मिल जाएंगे क्वेश्चन ठीक है बहुत उतनी इजी भी नहीं है जैसे तो मैंने अपने से ज्यादा कोशिश किए उसको वैसे एग्जाम में देखे, 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 देखे जाए तो इससे भी इजी आते हैं ठीक है वो डिप, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर नौ बिच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज़ तो यहाँ पे भी, भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर आठ में देखा था इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर का आंसर आ चुका है बिल्कुल सही है सभी आंसर दे रहे हैं ठीक है ठीके? अब देखिए यहाँ पे भी सेम वही है ठीक है सात पांच बारह है ठीक है यहाँ पे प्लस बारह हो रहा है और यहाँ पे भी मैं अगर बारह पांच प्लस करता हूँ सात प्लस हो रहा है सॉरी पांच लिखा गया यहाँ पे और यहाँ पे सात प्लस करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है पंद्रह बिल्कुल सही है ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दस ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ठीक है अब देखिए यहाँ पे सेम उसी उसी फॉर्मेट में दिया गया है क्वेश्चन बीच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन सीरीज तो यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिए गए सेवनटीन सिक्सटी सिक्स फोर्टीन ट्वेंटी टू इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से ताकि हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर दस हाँ सीमा जी बोले सर मैं पेरेंट डिवीजन नहीं डाल रहा है फॉर्म में कोई दिक्कत तो नहीं है दिक्कत कोई नहीं है <laughs> इसका आंसर आ चुका है सत्रह ठीक है बिल्कुल सही है सत्रह बता देते हैं आपको देखिए अगर मैं आठ का स्क्वायर करता हूं ठीक है आठ का स्क्वायर करते हैं हम आठ का स्क्वायर यानी आठ गुना आठ ठीक है वो कितना होता है सिक्सटी होता है ठीक है तो आठ का स्क्वेयर सिक्सटी है अब मुझे पता होना चाहिए 289 किसका स्क्वायर होता है तो 289 किसका होता है 17 का स्क्वायर होता है इसलिए जो सही आंसर है, हमारा ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर इलेवन ठीक है ये भी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे भी सेम उसी फॉर्मेट में आपके पास दिया गया है तो इसका भी सही आंसर आपने देना है हाँ कौन सा क्वेश्चन बोल रहे ये हाँ उसमें प्लस हो आ, प्लस सात होगा ठीक है जल्दी आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर इलेवन के ताकि आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बहुत क्वेश्चन है अभी करने के लिए टू नाइन ठीक है ट्वेंटी नाइन uh, बिल्कुल सही है ठीक है अब आपको बता देते हैं किस तरीके से आया देखिए यहाँ पे ग्यारह है ठीक है ग्यारह का क्यूब ठीक है ग्यारह का क्यूब यानी ग्यारह गुना ग्यारह गुना ग्यारह ठीक है ग्यारह का क्यूब कितना होता है 1331 ठीक है तो अब मुझे पता होना चाहिए नौ का होता है? नौ गुना, ये, हम ऐसे लिखते हैं ना जब क्यूब करते हैं नौ, गुना, नौ, गुना, नौ है? जिनको पता नहीं है इस तरीके से होगा ठीक है नौ तो कितना होता है सेवन ट्वेंटी वन इस हिसाब से जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बारह वो इस प्रकार से है यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिच कम नेक्स्ट इन सीरीज तो यहां पे भी सीरीज दी गई है आपके पास सेम उसी तरीके से जैसे कि हमने पहले देखी लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट में दी गई है क्वेश्चन नंबर इलेवन ट्वेल्व ठीक है बिल्कुल सही था सेवन ट्वेंटी नाइन बिल्कुल सही था क्वेश्चन नंबर बारह का आंसर दीजिए फोर सिक्स क्वेश्चन नंबर बारह ठीक है बिल्कुल सही है फोर सिक्स सेवन ठीक है अब ये बता देते हैं आपको किस तरीके से ये आया ठीक है देखिए अगर मैं यहाँ देखू ए ठीक है ए यानी कौन से नंबर पे आता है ए एक नंबर पे आता है अगर हम काउंटिंग करते हैं अल्फाबेट की ठीक है एक नंबर पे आता है और सी कितने नंबर पे आता है तीन नंबर पे आता है और ई e, कितने नंबर पे आता है पांच नंबर पे तो इस हिसाब से जो डी है कौन से नंबर पे आता है चार चौथे नंबर पे आता है और एफ छठे नंबर पे आता है और जी सातवें नंबर पे आता है इस हिसाब से जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तेरह वो इस प्रकार से आपके पास ठीक है ये भी सेम फॉर्मेट में है बिच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन सीरीज तो यहाँ पे भी सेम आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थ्री बिल्कुल सही था पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तीन ठीक है फोर सिक्स सेवन बिल्कुल सही था अब बताइए आप, आप क्वेश्चन नंबर तेरा का सही आंसर गाजियाबाद में कितनी वैकेंसी है सीमा जी बोल रहे हैं कुछ सर्कल के अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया और कुछ के आ चुके हैं ठीक है तो उम्मीद करता हूँ इस हफ्ते में जरूर आ जाएंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर तेरह का आंसर अभी तक नहीं आया किसी का भी ट्वेंटी फाइव ठीक है आ चुका है ट्वेंटी चौहान गर्ल सिक्सटीन ठीक है तो इसका जो सही आंसर है वो ट्वेंटी फाइव है ठीक है अब आपको बता भी देता हूँ मैं किस तरीके से ये आया है ठीक है ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बताया आपके पास आठ दिया गया है ठीक है आठ को अगर मैं लिखूं ठीक है इस तरीके से लिख सकता हूं मैं दो की पावर तीन ठीक है दो की पावर तीन यानी दो गुना दो गुना दो ठीक है अब इसके बाद नौ दिया गया है यानी फोर की पावर तीन होगा ठीक है फोर की पावर तीन और इसके बाद क्या होगा फाइव की पावर दो इस तरीके से जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है ट्वेंटी फाइव बिल्कुल सही है चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास इस प्रकार से है एस सी डी टी ई एफ यू जी एच उसके बाद ब्लैंक दिया गया है डब्ल्यू के एल तो चार ऑप्शन यहां पे भी आपके पास दिए गए हैं तो चार में से कौन सा सही ऑप्शन है वो आपने यहां पे बता देना है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अभी आइए चौदह का सी बिल्कुल सही है वी आई जी ठीक है अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ ठीक है अब देखिए यहाँ पे एस टी यू ठीक है इसके बाद यानी क्या आएगा वी आएगा उसके बाद डब्ल्यू चल रहा है अब देखिए यहाँ पे सी डी ई एफ जी एच यानी आई जे आ रहा है इसके बाद के एल है तो इस हिसाब से जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है सभी बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं उम्मीद करता हूं जब आपका एग्जाम भी होगा सेम इसी तरीके से आप आंसर देंगे और एग्जाम को क्रैप भी कर लेंगे चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इस प्रकार से आपके पास ए सी ई e, क्वेश्चन मार्क एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू तो यहां पे भी आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं तो चार में से कौन सा सही है वो आपने बता देना है तो जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर पंद्रह का अंतर ताकि हम आगे बढ़े काफी रात भी हो चुकी है खाना भी बनाना है और कल ऑफिस भी जाना है हतेंद्र जी बोल रहे हैं हो सकता है सर्कल बेस मेरिट के लिए एग्जाम हार्ड हो सकता है ठीक है तो वैसे नहीं चलना है मैं सभी को यही सजेस्ट करता हूं ये मत चलिए कि मेरे सर्कल में आ, कम लेवल के क्वेश्चन आते या फिर मेरे मेरे सर्कल में मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से नहीं चलिए ये मान के चले क्वेश्चन बहुत मेरा जो ओपिनियन है ठीक है मैं आपको बता दूं हमेशा ये लेके चलना कि मेरा जो टारगेट है 90 नाइन्टी प्लस का रहना चाहिए ठीक है अगर इस हिसाब से चलेंगे तो हंड्रेड आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की बात करें तो इसका जो सही आंसर है जी आई के ठीक है जी आई के बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक एक को छोड़ रहा है ठीक है ए बी बी को छोड़ रहा है सी लिया इसने डी को छोड़ दिया ई e लिया इसने ठीक है यानी इसके बाद ई e के बाद क्या एफ को छोड़ देगा जी को इसने लिया जी के बाद ठीक है सेम मतलब एक एक वर्ड को छोड़ रहा है इस हिसाब से यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पे भी सेम सीरीज दी गई है आपके पास ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ठीक है थीके? तो आप कोई भी गलत नहीं करेगा ऐसे क्वेश्चन को और ये मतलब आपके फ्री के मार्क्स है ठीक है आपने लिखे होंगे अपने अपने सर्कल में बहुत इजी आते है ये ठीक है बीस नंबर की रीजनिंग आती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अट्ठारह या सत्रह तक पहुँचेंगे ठीक है आप देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन यहाँ पे आपके पास सीरीज दी गई है तो सीरीज में से कौन सा सही है वो आपने बताना है इसमें ए को छोड़ रहे हैं ए को छोड़ के चल रहा है ठीक है हतेंद्र सिंह जी ए को छोड़ के चल रहा है उस हिसाब से जो सही आंसर है जी आई के बिल्कुल सही है तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही है यू वी एक्स अब देखिए यहाँ पे भी सेम ऐसे चल रहा है ए वी सी छोड़ रहा है डी ले रहा है ठीक है ई एफ डी को छोड़ दिया इसने एच ले लिया उसके बाद आई जे ठीक है के को छोड़ दिया एल ले लिया ठीक है सेम ऐसे ही चल रहा है इस हिसाब से जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन को देखते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं मैं वापस चला जाऊंगा और उसको अच्छे से डिस्कस भी कर लूंगा ठीक है मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम आए ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन यहाँ पे आपके पास बताया गया है फाइंड द मिसिंग सीरीज तो मिसिंग सीरीज आपने बतानी है आपके पास दिया गया है दो तीन आठ तिरसठ और क्वेश्चन मार्क तो चार ऑप्शन भी दिए गए हैं तो चार में से कौन सा सही है वो आपने बताना है और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो बता दीजिए और साथ में लाइक जरूर करें और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करते हैं या फिर लाइव आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप टाइम पे क्लास को अटेंड भी कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का आंसर बता दीजिए दीपा कुमारी जी का आंसर आ चुका है सबसे पहले थ्री नाइन सिक्स एट बिल्कुल सही है ये उनतालीस सौ नहीं होगा इसका सही आंसर थ्री नाइन सिक्स एट सिक्स एट बिल्कुल सही है दिनेश जी आप देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपके पास सीरीज दी गई है ठीक है वो इस प्रकार से दी गई है आप देखिए यहाँ पे दो दिया गया है ठीक है दो की अगर दो की पावर दो कितना होता है चार चार में से इसने एक को माइनस किया तो क्या आया तीन ठीक है अब देखिए यहाँ पे तीन की पावर अगर मैं दो से दो करता हूँ तीन तीन नौ होता है उसको माइनस एक से करता हूँ तो मेरे पास आठ बच जाता है ठीक है तो सेम उसके बाद आठ की पावर दो करता हूँ उसको माइनस करता हूँ एक से अठाठी चौसठ चौसठ माइनस एक सिक्सटी अब मैं क्या करूंगा सिक्सटी सिक्सटी थ्री की पावर दो करता हूं उसको माइनस करता हूं एक से तो ये कितना आता है उनतालीस सिक्स नाइन ठीक है तो उनतालीस सिक्स को एक से माइनस करता हूँ जो कि ऑप्शन नंबर में दिया गया है ठीक है इस तरीके से आपका जो सही आंसर है थ्री नाइन सिक्स एट बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है फाइंड द मिसिंग सीरीज तो सीरीज दी गई है यहाँ पे आपके पास तीन सात सोलह पैंतीस उसके बाद क्वेश्चन मार्क है उसके बाद वन फिफ्टी थ्री तो चार ऑप्शन यहाँ पे भी दिए गए हैं तो चार में से कौन सा सही है वो आपने बताना है और क्लास को एक बार शेयर जरूर करें और जो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को प्लीज लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ताकि आप लोगों को ऐसी ही वीडियो डेली प्रोवाइड करें ठीक है आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है तभी हम क्लासेस को लेके आते हैं प्रगति जी बोल रहे हैं सर सर मैथ की क्लास के लिए आठ के आठ के बजे ही लीजिए क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है एक साल का कोशिश करेंगे आठ के बाद ही ठीक है तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर अठारह की तो इसका जो सही आंसर है सेवेंटी फोर बिल्कुल सही है ठीक है अब इसको मैं अगर बताऊं आपको किस तरीके से आया है ये ठीक है अब देखिए तीन है यहाँ पे तीन को मल्टीप्लाई दो से किया दो किया छः प्लस ए कर दिया ठीक है यहाँ पे सात है सात को गुणा दो से कर दिया सात में प्लस एक कर दिया यानी सात गुना सात गुना चौदह चौदह प्लस दो ठीक है यहाँ पे दो प्लस हो रहा है सोलह ठीक है अब देखिए यहाँ पे सोलह है सोलह को मल्टीप्लाई दो से किया सोलह दू ने बत्तीस बत्तीस में प्लस कर दिया इसने तीन ठीक है बत्तीस ठीक है पैंतीस हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे पैंतीस है तो पैंतीस को मल्टीप्लाई कर दीजिए दो से पैंतीस दुना सत्तर होता है और उसमें कर दीजिए प्लस ठीक है पांच को इस, इस चार को प्लस कर दीजिए यानी प्लस पहले एक हो रहा है उसके बाद दो हो रहा है उसके बाद तीन हो रहा है उसके बाद चार प्लस हो रहा है यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा सेवनटी फोर आ जाएगा और उसके बाद सेवेंटी फोर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं दो से ठीक है और उसमें प्लस करेंगे आप पांच इस तरीके से जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेवन ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही है जो कि सेवनटी फोर दिया गया है चलो आगे हाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पे बताया गया है इन फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट दिन वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव तो यहाँ पे आपने अल्टरनेटिव एक ऐसा वर्ड दिया गया है जो कि इन चार में से मैच नहीं कर रहा है जो कि डिफरेंट डिफरेंट इन चारों में से तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं गौथ तो कौन सा सही है वो आपने बताना है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन दूसरी आईडी। आईडी तो ब्लॉक कर थी। तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का आंसर दीजिए आ चुका है हॉस बिल्कुल सही है हॉस ठीक है किस तरीके से आए ये आपको वैसे पता ही होगा बाकी क्या है फीमेल है और ये क्या है ये यही अलग है ठीक है फेलो का, है और गौत है ठीक है इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही हो जाएगा चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी को देख लेते हैं तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है आपके पास इन फॉलोइंग क्वेश्चन वर्ड फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव तो फॉर uh, पे भी चार ऑप्शन दिए गए हैं मून मार्स वीनस और जुपिटर तो चार में से ऐसा कौन सा है जो कि डिफरेंट है वो आपने बताना है यानी तीन जो है वो बिल्कुल सही है जो मैच कर रहे हैं एक दूसरे से और एक ऐसा है जो कि मैच नहीं कर रहा है वो कौन सा है वो आपने बताना है तो आ चुका है आंसर मून बिल्कुल सही है देखिए यहाँ पे बाकी जो तीन है ये क्या है ये दोस्तों से, से, सेटेलाइट है ठीक है ये 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 सारे ग्रह हैं और ये दोस्तों उपग्रह है ठीक है इस तरीके से भी आप इसको कोरिलेट कौल, कर सकते हैं ये दोस्तों प्लेनेट है सारे ठीक है तीन प्लेनेट है और ये नेचुरल सैटेलाइट है मून क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इस प्रकार से है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन द द वन वन ऑफ़ इज़ डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉम अदर थ्री रीजंस तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास पांच ऑप्शन दिए गए हैं तो ऐसा कौन सा है जो कि चार बिल्कुल मैच कर रहे हैं एक दूसरे से और एक ऐसा है जो कि मैच नहीं कर रहा है हाँ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है शॉर्ट्स ठीक है अब देखिए जो बाकी के है ये दोस्तों अपर वेयर है ठीक है यानी ऊपर को पहने पहनने वाले कपड़े हैं और ये शॉर्ट्स डाउनवर्ड है इस इस हिसाब से जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा आपका शॉर्ट्स बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इन फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो चार में से कौन सा सही है वो आपने बताना है कोल दिया गया है डीजल दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी दिया गया है और केरोसिन दिया गया है कोर्स कोर्स नहीं होगा उसका सही आंसर शॉर्ट्स होगा उसका सही आंसर ठीक है तो बात रहे थे हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू की तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही है इलेक्ट्रिसिटी ठीक है इलेक्ट्रिसिटी इसलिए है जो कि बाकी के जो ये तीन है कोल डीजल और केरोसिन ये क्या है फॉसिल फ्यूल है ठीक है फॉसिल फ्यूल है और इलेक्ट्रिसिटी इसमें से डिफरेंस है जो कि हमारा सही आंसर है इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव तो यहाँ पे चार ऑप्शन है क्रिकेट वॉलीबॉल चेस हॉकी तो कौन सा तो सही है वो आपने बताना है ठीक है ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आने को हैं मैंने काफी देखे हैं इसलिए मैंने सिमिलर से क्वेश्चन बनाए हैं ठीक है चेस बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर तीन ठीक है अब देखिए दोस्तों जो क्रिकेट है वॉलीबॉल है हॉकी है ये सब क्या है आउटडोर गेम है यानी अगर आप इस आपको इन सभी चीजों को खेलना है तो आपको ग्राउंड में जाना होगा और चेस को आप इंडोर यानी कमरे में भी खेल सकते हैं इसलिए ये डिफरेंस है तो ऑप्शन नंबर तीन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आ चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर हमारा इस प्रकार से है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव तो यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास हाँ ये भी ये भी को रिलेट कर सकते हैं आप चेस को वोर्ड में खेला जाता है और बाकी को ग्राउंड में खेला जाता है सेम वही है ठीक है यानी एक इंडोर गेम है और बाकी आउटडोर गेम है ठीक है आउटडोर गेम चेस है और बाकी ए आउटडोर गेम जो ग्राउंड में खेली जाती है और इंडोर जिसको आप कमरे में भी खेल सकते हैं यानी चेस ठीक है चेस भी बहुत सारी गेम है जैसे ताश है ठीक है प्लेइंग कार्ड्स है उसको भी आप इंडोर गेम मानते हैं ये गेम ही होती है उसको आप चलो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का इसका सही आंसर म्यूजिक है ठीक है किस तरीके से है कोई बता सकता है ये ठीक है अब देखिए दोस्तों जो सिंगर होता है डायरेक्टर होता है या एक्टर होता है ठीक है ये क्या होता है फिजिकल आइडेंटी आइडेंटिटी होती है ये ठीक है यानी कोई इंसान होता है ये ठीक है म्यूजिक कोई इंसान नहीं होता सिंगर अगर है वो इंसान है डायरेक्टर इंसान है और एक्टर इंसान होता है ठीक है फिजिकल आइडेंटिटी होती है ये ठीक है ठीक है और जो म्यूजिक है ठीक है ये नहीं है इसलिए जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में आपके पास दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव तो यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिए गए हैं लूडो पोलो चेस और कैरम तो ये इसमें से कौन सा सही है वो आपने बताना है नौ दस अठारह छब्बीस पैंतालीस एक सौ सो, पैंतीस सोलिस ये कौन सा को, ए, ये क्वेश्चन हमने क्या, किया है क्या हाँ प्रगति जी सुबह से ही आपको बता देंगे क्लास की टाइमिंग ठीक है मैं सभी ग्रुप में डाल दूंगा कि इस इतने टाइम से हम क्लास करेंगे ठीक है तो उम्मीद कि सभी क्लास को ज्वाइन करेंगे ठीक है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही है पोलो ठीक है किस तरीके से ये आपको वैसे पता ही होगा ठीक है पोलो को क्या है ऑल क्या है इंडोर गेम है और पोलो क्या है आउटडोर गेम है इस तरीके से जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है तो आई होप दोस्तों आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी इतने ही क्वेश्चन थे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन और कल से हम ज़्यादा क्वेश्चन भी करेंगे और सभी क्वेश्चन को दोस्तों प्राइवेट में करेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को टाइम से अटेंड करेंगे हम आपको बता देंगे मैं क्लास का टाइम क्लास के लिए ही काम करूंगा अभी से ही ठीक है कल मुझे ऑफिस भी जाना ऑफिस में इतना टाइम नहीं होता कि मैं वहाँ पे क्लास को बना सकूँ ठीक है पीडीएफ बनाऊँ या फिर क्वेश्चन बनाऊँ ठीक है उतना टाइम नहीं होता पे तो मैं अभी पूरी कोशिश करूंगा अभी से ही क्वेश्चन बना लूंगा उसके बाद खाना खाऊंगा और उसके बाद सो जाऊंगा ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि मेरी मेहनत पे आप भी थोड़ा सा तरस खाएंगे ठीक है चलो तो आई होप आप ये क्वेश्चन हमने नहीं क्या हुआ है पता नहीं है कृष्णा जी आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा ठीक है विद डायग्राम से आपको आंसर दे दूंगा उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे